शहर में महिला दिवस पर सबसे अनूठा सम्मान महिलाओं का रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से किया गया है। यूं तो हमेशा ही रोकड़े ज्वेलर्स विविध कार्यक्रमों का आयोजन हर खास मौके पर करता है, उसी श्रृंखला में विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में हर क्षेत्र की एक महिला को उसके अच्छे कार्य के प्रति पारंपरिक पद्धति से औषण कर शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया है। इसी मौके पर हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने रोकड़े ज्वेलर्स की अनामिका रोकड़े वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मानव धरे के साथ ही साथ सम्मानित की हुई महिलाओं से खास बातचीत की है। आइए डालते हैं एक नज़र। ज्वेलरी और ज्वेलर्स ये महिलाओं का गहना होता है और सबसे पहले ध्यान जो है फोकस जो है महिलाओं का उस पर जाता है। अगर साल भर वो किसी जगह से अपने अपनी ज़रूरतें पूरी करती है या अपने जो ज्वेलरी खरीदी करती है तो उनका फोकस भी वही होता है, और जो रोकड़े ज्वेलर्स की तरफ से जो भी प्रोग्राम होगा तो ऑब्वियसली वो सम्मानजनक होना चाहिए और वो हो रहा है, इसकी मुझे खुशी है। और आज उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट करके सभी महिलाओं से मिलाया है, उनको उनके जो हमारे जो विचार है या हमारी जो पुलिस विभाग काम करता है वो सब हमारा काम उनके तक पहुँचाया गया है। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। महिला दिन के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं से यही कहना है कि हम लोग जो चाहते हैं सोसाइटी में, जो चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस हो, जैसे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन जो सेंसिटिव एक इशू है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का और लड़की सेम पले, लेकिन हम उसको उस तरीके का अगर संस्कार देंगे, उस तरीके से उनका पालन पोषण करेंगे, जो काम महिलाओं का है वो अभी महिलाओं का नहीं रहेगा। वो अगर जेंट्स का काम महिलाएं कर रही है तो महिलाओं का काम तो जेंट्स ने करना ही चाहिए। ये सेंसिटाइजेशन महिलाओं ने करना है, घर से शुरुआत करना चाहिए, तभी सोसाइटी में चेंज होगा। छोटे छोटे चेंज हम जब करने लगेंगे तब ये बड़ा सा उसका एक ये बनेगा। और महिलाओं की जो रिस्पेक्ट करना है, एक ही दिन मुझे, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ओनली महिला दिन आए और उसी दिन महिलाओं का सम्मान किया जाए। हर दिन महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट, उनकी सुरक्षा, सारी जिम्मेदारी सोसाइटी ने अपने इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं घर परिवार के लोग वहाँ से लेके तो सोसाइटी तक सभी ने महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना चाहिए। सभी महिलाओं को मेरा यही संदेश रहेगा कि हम निगेटिव थॉट्स जो है, जो भी हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, हम हमारे लक्ष्य पहुँचते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती है, उसमें निगेटिविटी की तरफ ध्यान न देते हुए हम लोग हमारा फोकस जो है हमारे काम पे करिए और हमारा काम जो है डेडिकेशन से करें और 100% उसमें दें। यही आज जो महिला जागतिक दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देके संदेश देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, हमें पता है कि हर कोई मना रहा है। रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा जो शहर का सुप्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स है, हर त्यौहार पर जो है महिलाओं को सम्मानित करता है और महिलाओं के प्रति जो है विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। और उसी तर्ज पर जो है आज जो है महिला दिवस के उपलक्ष्य में रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा जो है महिलाओं को सम्मानित किया गया है, और ख़ासकर कोविड के दौरान जिन महिलाओं ने कार्य किया है कोविड के दौरान, उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं। मैम, आपको आज जो है रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या बताओगे? बहुत ही बढ़िया लग रहा है मैम। शुभांगी मैम, प्रतीक्षा मैम ने इनवाइट किया, और मेरा काटोल में स्कूल है, टेंगू चार्ली पुलिस एकेडमी स्कूल है, मैं चलाती हूँ। मैं सीआरपी में थी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मैंने जॉब छोड़ दिए और मैंने खुद की स्कूल डाली है, मैंने काटोल में खुद की स्कूल डाली है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ काम चलाते हैं। मैम ने इनवाइट किया, शुभांगी मैम, प्रतीक्षा मैम, उनका थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा। महिला दिन की शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया मैम, आपको भी जो है रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा आपके कार्य के लिए जो है आज सम्मानित किया गया है, क्या बताऊँगी? जी, हम लोग तेजस्विनी महिला मंच से हैं। तेजस्विनी महिला मंच एक ऐसा सखियों का ग्रुप है कि जो सोशल सर्विसेज के लिए काम करता है। हम लोग संस्कृति, पर्यावरण, स्वच्छता और आदि सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं और इसी पर कार्य करते हैं। और कोविड के समय हमने जो कार्य किया था ये इन्होंने देखा, और इसलिए रोकड़े ज्वेलर्स ने आज हमें आमंत्रित किया और सम्मानित किया। हम रोकड़े ज्वेलर्स के बहुत 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 आभारी हैं कि उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ को भी नोटिस किया। मतलब कई जगह अवार्ड फंक्शन होते हैं, बहुत सारे नॉमिनेशन होते हैं, भेजने पड़ते हैं, उसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, और जो महिला वहाँ तक पहुँच चुकी है उसको पूछना और उसको सम्मानित करना। मैंने देखा यहाँ पर कि एक साधारण सी स्वीपर जो झाड़ू निकालती है उसके सम्मान से लेकर एक पुलिस वुमेन का भी सम्मान किया, तो रोकड़े ज्वेलर्स को सैल्यूट तो बनता ही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
जैसे कि अभी आपने सुनाई मैम ने कहा कि छोटी से छोटी बात का मतलब ध्यान आपकी ओर से रखा गया है, हर बार जो है आपकी ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष खास तौर पर कई मतलब कई क्षेत्र की महिलाओं ने जिन्होंने कार्य किया है उनके उन्हें सम्मानित किया गया है, क्या बताओगे? सबसे पहले तो रोकड़े परिवार की तरफ से महिला जागतिक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। देखिए आज एक ऐसा माहौल बना है, हर दिन महिला का रहता है लेकिन आज स्पेशल 8 मार्च बोलो तो स्पेशल महिला दिन के लिए मनाया जाता है। सारी महिलाएं इतने अच्छे ब्यूटीफुल लग रही थी कि सही में देख के उनका ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो कर जाने की तमन्ना है उनमें। और आज एक सम्मान रोकड़े ज्वेलर्स ने किया है, वो ऐसा है कि हर एक फील्ड में एक लेडीज़ हर फील्ड में अपना अपना परचम तो लहरा ही रही है, तो हमने ये सोचा कि भाई हर एक फील्ड से एक क्यों ना सम्मान के हकदार हैं, हर कोई हर महिला सम्मान की हकदार है लेकिन उनसे भी और ऊपर थोड़ा सा जाए अपन तो थोड़ा थोड़ा तो उनका सम्मान बनता है। हर महिलाओं को अपन यहाँ बुला के एक टीका नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं चाहूँगी कि हर महिला उसकी हकदार है, इसलिए सभी को सभी महिला को रोकड़े परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ जो है विविध कॉम्पिटिशन्स कार्यक्रम यहाँ किए गए, डांस कॉम्पिटिशन है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए रोकड़े ज्वेलर्स तो हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है और हर एक दिन फेस्टिवल का रहता है, हर आने वाला दिन फेस्टिवल है और लेडीज़ें इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करती हैं तो हमको कहीं से ऐसा नहीं लगता कि नहीं हम इनवाइट ना करें करके, हमारी जो एनर्जी है वो और डबल कर देते हैं इन लोग, इसलिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। वैसे तो पूरा ऑर्गेनाइज प्रतीक्षा मैम और शुभांगिनी मैम और वंदना मैम, ये पूरी हमारी टीम करती है, इसमें हम लोगों को हाँ बोलने की देर रहती है, बस उनका जो एनर्जेटिक फील्ड है वो बहुत अच्छे से निभाते हैं, वो भी पूरा लेडीज़ों का ग्रुप है हमारा, हमारी जो पूरी टीम है उसमें मोस्टली मोस्ट ऑफ मोस्ट लेडीज़ है। एक्चुअली पूरा स्टाफ अगर मैं बताना चाहूँ तो उसमें भी लेडीज़ें हैं, मतलब 80% लेडीज़ ही है। वुमेंस पावर जो बोलते हैं वो बिल्कुल रोकड़े ज्वेलर्स में आपको देखने मिलेगा। और हमने तो सबसे पहले जब हमारे स्टोर में हम लोग आए, वैसे तो 4 स्टोर है, 4 स्टोर में एक स्टोर महल में मम्मी ने उनको बिल्कुल टियारा और सारी लेडीज़ स्टाफ को टियारा अक्षयवान करके उनका सम्मान किया, लक्ष्मी नगर में हम लोगों ने किया, तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों का सम्मान करना, उनको अपनी फैमिली में बनाना बहुत अच्छा लगता है और हमारा उत्साह तो इसी के कारण दुगना होता जाता है। थैंक यू सो मच नागपुर कर। ये बात तो सही कही कि रोकड़े ज्वेलर्स में जो है वुमन पावर जो है देखने मिलती है, हर बार जो है त्यौहार तो मनाए जाते हैं लेकिन आज का दिन जो है खास महिलाओं का दिन है और महिलाओं का रिश्ता गहनों से बहुत ही मतलब लगाव जो महिलाओं का रहता है उससे देखते हुए रोकड़े ज्वेलर्स हर बार की तरह इस बार भी जो है महिलाओं के लिए महिला दिवस के उपलक्ष्य पे बहुत ही अनोखा कार्यक्रम और अच्छा कार्यक्रम लेकर आज आया है। और आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो है इसमें शामिल होने यहाँ आई थी। कैमरा पर्सन श्रीकांत देवरकर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।